यार मैं पछताता क्यों। रामीन, रामीन कहाँ हो? रामीन, मैं चेंज कर रही हूँ गुलजार। हमारी गैस, बिजली, पानी सब किसी ने काट दिए हैं। पता नहीं कौन हम पर खन्नास निकाल रहा है। अच्छा मैं अभी चेंज कर रही हूँ, मेरे बार बार फोन बज रहा है। ये जो भी है उसे बोलो मैं बाद में फोन करूंगी। सही है। हेलो रामीन, अरे भाई तुमने जो अपनी और गुलजार की पिक मुझे भेजी थी वो मैंने अब देखी है। बड़ी जच रही है तुम दोनों की जोड़ी। देखा, उस चूहे को मैंने दरगाह पे छोड़ा तभी तुम्हारा शौहर राय रास पर आया। हम बड़ों के तजर्बों से फायदा उठाती रहोगी तो इसी तरह खुश रहोगी। हेलो रामीन, तुम बोल क्यों नहीं रही? हेलो हेलो, कौन था? नोबडी कहाँ है रामीन? नोबडी कहाँ है रामीन? पुरके में आंटी थी। क्यों रामीन? क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था गुलजार। रास्ता नहीं था तुम्हारे पास? वो हम दोनों के बीच इजाफी था। तुम ये फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? बल्कि फैसला क्या, धोखा दिया है तुमने मुझे? नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है गुलजार। मेरी आंखों में देखकर तुमने मुझसे झूठ बोला है। कैसे झूठ बोल सकती हो मुझसे तुम? सारी उम्र मेरा भाई मेरे से साजिशें करता रहा है, मंसूबे बनाता रहा है, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझसे नफरत करता है। तुम प्यार के दावे करती हो मेरे से? हाँ हाँ, किए हैं मैंने प्यार के दावे और करती भी हूँ मैं प्यार, लेकिन मैं क्या करूँ गुलजार? तुमने मुझे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया है। हर दिन के ये मसले, कोई एक दिन भी सुकून का गुजर है हमारा? कभी गैस नहीं है, पानी नहीं है, पूरे शहर में मसला हुआ हुआ है, स्ट्राइक चल रही है और हर कोई तुम्हें इल्जाम दे रहा है। मैंने इतनी दफा तुम्हें कहा है कि प्लीज प्रैक्टिकल हो जाओ, लेकिन तुम कहां मेरी बात सुनते हो? तुम खुद कहते हो कि मां की टेंशन बच्चे पर असर करती है, लेकिन तुम ही तो टेंशन देते हो फिर मुझे। हाँ, मैंने ही नोबडी को निकाला और मेरे पास कोई चारा नहीं था। साथ नहीं रह सकते। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो गुलजार? मैंने कहा है जाओ यहां से। अरे तुम खुद को समझते क्या हुआ? क्या तुम कोई खुदा हो? हर चीज का फैसला तुम खुद ही करोगे? जिस चीज को हाथ लगाते हो उस चीज को बर्बाद ही करके छोड़ते हो। शहर में इतना हंगामा मचा हुआ है, सब तुम्हारे बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मैंने मांगा था तुम्हारा साथ, मैंने पूछा था। एक मासूम तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा साथ दोगी तुम? कुछ सही कहते हो तुम गुलजार। तुम्हें ना किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में इतनी मैं है कि तुम्हारी जिंदगी में तो किसी और की जगह ही नहीं है। ये नोबडी से मोहब्बत, ये सोशल वर्क, ये सब एक ढोंग है, सब ढोंग है। तुम तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। ये सब तुम्हारी खुद परस्ती है, क्योंकि गुलजार सिर्फ और सिर्फ गुलजार से मोहब्बत करता है, सिर्फ गुलजार से। रामीन, I'm not afraid to die.
नहीं कह रहा, हम साथ नहीं रह सकते। सलाम साहब। कहाँ से आ रहे हैं? ये साहब हमारा कंपनी का वेयर हाउस है, पीछे सामान लोड करके लेके जा रहा हूँ। चेक तो कराओ क्या क्या है कंटेनर में। जी सावल, क्या खबर है? क्या? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। छोड़ो इसे, छोड़ो, गाड़ी निकालो जल्दी से, मैं पहुंचना है कहीं। चलो टी, आई एम सो सॉरी नोबडी। आ जाओ, आइंदा नहीं होगा ऐसा। हाँ आ जाओ नोबडी, चले। क्या हुआ नोबडी? अल्लाह नाराज हो नोबडी? आओ, कोई बात नहीं। हाँ अब नहीं होगा तुम्हारे साथ। अल्लाह घर से कोई नहीं निकालेगा अब। आ जाओ भाई, अच्छे आ जाओ, आ जाओ। क्या मसला है भाई, क्यों तंग कर रहे हो मलंग को? बदतवा लेनी है क्या? जाओ यहाँ से। ये मेरे साथ घर में रहता है, बच्चों की तरह है मेरे। नोबडी आ जाओ, शाबाश, चले चलो 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 चलो। आ जाओ नोबडी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चाहते हो या शोर मचा कर लोगों को इकट्ठा करूं? बस घबराया हुआ है बेचारा। नोबडी चलो, शाबाश बच्चे, आ जाओ चलो नोबडी। जाओ यहां से, जाते हो या नोबडी? नोबडी आ जाओ। बोले बोले तुम दोनों में से एक मेरे साथ जाएगा, एक मेरे बैकअप पे आएगा। Thank you.
तुमने और वसी ने क्या प्लान बनाया? कहाँ सेटल होगे? जर्मनी। और तुम लोग? ऑस्ट्रेलिया। मैं और इंजल कनाडा, लेकिन पहले हम असाइलम अप्लाई करेंगे और फिर। प्रोसीजर पता है तुम्हें? मुझे पता था कि कुछ दिन तक हमारे पास फोन्स नहीं होंगे, इसलिए मैंने गालिब की एक पिक्चर अपने पास रख ली थी ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ। दिखाओ तो तुम्हारा गालिब कैसे है। ये तो एंजल है। एंजल नहीं, गालिब। कसम से ये एंजल है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये मेरे वसी की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? अरे वसी नहीं, ये तो फराज है। नहीं, फराज की नहीं, ये तो मेरे जॉन की है। क्या हो गया तुम लोग, ये क्या बकवास कर रहे हो सब? मतलब ये एंजल, फराज, गालिब, वसी, ये सब एक ही है? ये तो अब जाहिर हो गया, ये लोग हमें बाहर मुल्क सेटल करवाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं। और लड़कियों को बाहर ले जाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है। अब हमें ये तय करना होगा कि हमें क्या करना है। हमें शोर मचाना होगा ताकि बाहर किसी को पता चले। हमें जोर से शोर मचाना होगा, जोर से कंटेनर बजाना होगा। पागल हो गए हो तुम लोग, यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर तो नहीं जा सकते। हम क्या कोई जानवर हैं जो ये हमें जहाँ लेकर जाएंगे हम वहीं चल पड़ेंगे? ना होते हम जानवर तो आज यहाँ पर ना फंसे हुए होते। हाँ, लेकिन अब आंखें तो खुल गई हैं ना? खुल तो गई हैं, लेकिन आज कहाँ पर खड़े हैं हम? क्या करेंगे हम इन खुली आंखों का? इससे अच्छा था ना ही खुलती। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती, हल निकालना चाहती हूँ। क्या हल है तुम्हारे पास? यही कि हमारे पेरेंट्स हमें कबूल करें ना करें, हम अपने मुल्क से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तकरीर करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? ठीक है, तुम बोलते जाओ, हम क्लैपिंग करते हैं, खुश हो जाओ तुम। चाहे हमें अपनी ज़िंदगी शेल्टर्स होम में ही क्यों ना गुजारनी पड़े, लेकिन जो हम जैसों को धोखा देते हैं उनको उनके अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। और अब मैं नहीं रुक सकती। बात है रामीन, तुम इस तरह रोए चली जा रही हो, बता क्यों नहीं रही? हुआ क्या है, बोलो क्या हुआ है? मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ अम्मी। अब मैं शख्स के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती। ये क्या कह रही हो, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? अच्छा तुम हौसला रखो, मैं और तुम्हारे पापा जाकर उससे बात करते हैं। नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है। अरे ये नतीजा होता है बेवकूफी का। तुम्हें जल्दी थी ना नोबडी से छुटकारा दिलाने की, देख लिया नतीजा, बेटी का घर ही खराब कर दिया। अरे मुझसे पूछ लिया होता कम अकल। उसका सामना कैसे करूंगा? तुमने ऐसा क्या किया जो तुम उसका सामना नहीं कर सकते? मेरी बीवी ने तो किया ना। लेकिन अब तो रामीन भी चली गई है, अब बस तुम रह गए हो गुलजार। सही कहती है राम। मुझसे किसी का भला नहीं। सर ये रामीन बाजी का सामान है, गुलजार भाई के घर से आया है। ये बाजी के कमरे में रखा। अच्छा, सबर क्यों नहीं हो रहा तुम लोगों से? मिलवाता हूँ तुम लोगों के बॉयफ्रेंड से, शहर से तो निकलने तो बाहर। किस किस से मिलवाओगे? एंजल से, फराज, गालिब या इस धोखेबाज से?
चल 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 ए, निकालो बाहर उसे, कहाँ छुपा बैठा है वो। तुम लोग बाज नहीं आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, ये गलत है। ए, जा पुलिस फेस, बुला पुलिस को। ओहो, क्या हो गया भाई, जो कहना है मुझसे कहें। आ नीचे आओ। आ रहा हूँ। आने दे उसको बाहर। क्या हो गया भाई? ए, नंबर का ट्रक किसी भी नाके से नहीं गुजरा, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे, ये नामुमकिन है कि इतने कम टाइम में वो शहर से निकल गया हो। देखो, चेक करो, हर एक को चेक करो और बताओ मुझे। खुद को संभालो, बहुत मारा है उन्होंने तुम। कोई बात नहीं गुलजार भाई, मारा तो उन्होंने आपको भी बहुत है, आपका ख्याल जरूरी है। मना भी किया था बेटा, बाहर मत निकलो, बड़े पागल लोग हैं ये। ये लोग थे कौन, कहाँ से थे, इनको कोई भी नहीं पहचान रहा। शौकत खान के बंदे हैं सारे, वो ये नीच हरकतों पर उतर आए। तुम जाओ आराम करो। चलो मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूँ। एक सेकंड हाजी साहब। गुलजार, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आप लोग फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? तुम ठीक करोगे तो ठीक होगा ना? मांगो माफी जाकर उन डॉक्टरों से, खत्म करो इस फसाद को। मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं माफी क्यों मांगू? तुमने गलत नहीं किया तब भी जाकर माफी मांगो। गुलजार, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। मगर मैंने माफी मांग ली तो शौकत खान, उसके डॉक्टर्स को और शह मिल जाएगी। खो बेटा गुलजार, तुम्हें लोग घर आकर मार रहे हैं, ऐसे अवाम से दुश्मनी मत बोलो। अवाम नहीं है, शौकत खान के लोग हैं। मुझे पता है उनसे कैसे निमटना है, आप लोग प्लीज फिक्र मत करें, बाद में बात करता हूं। ओके, खुदा हाफिज, बाय। मेरी क्या हो? फिर फोन करेगा। ये लड़का भी बड़ी 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 ओके बड़ी, क्या हो गया? इस बेचारे के साथ ये किसने किया है? अरे, इस बेजुबान के साथ ये सब किसने किया? अभी तो ठीक था थोड़ी देर पहले। इस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? बड़ी, किसी ने जहर देने की कोशिश की इसे। हाँ हाँ, वाकई वाकई, लेकिन किसने जहर दिया इसको और कैसे? इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? कौन है मेरा दुश्मन इस बिल्डिंग में? मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे अरे, नहीं छोड़ूंगा यार। बेटा खुद को संभालो, बेटा क्या कर रहे हो, संभालो। बट ये ओके, गुड्डू का कुछ पता चला भाई साहब? आस पड़ोस के सारे मोहल्ले देख लिए, कहीं कोई पता नहीं है उस बच्चे का। बच्चे को घर से भेजने का फैसला बिल्कुल गलत था, और मैं भी खामखा आपकी बातों में आ गई है तशाम। मजबूर थे हम, तुम्हारे सामने ही तो था सब कुछ। सादत क्यों नहीं आया आपके जहन में? मेरे गुड्डू को क्यों भेजना चाह रहे थे आप? मैंने तय नहीं किया था शगुफ्ता, मैंने अपना इजहार ख्याल किया था, तुम खामोश रही।
मैंने सोचा इसी में तुम्हारी रजामंदी है। दिल टूट गया मेरे गुड्डू का, मेरा गुड्डू घर छोड़ के चला गया, उसका दिल तोड़ दिया हमने। कोई भी होता उसका दिल टूट जाता, आप या मैं भी। आप लोग प्लीज, खुदा के लिए आप लोग आपस में एक दूसरे को इल्जाम देना बंद करोगे, ताकि उस गुड्डू के बारे में कुछ सोचा जा सके, उसे ढूंढने के लिए कोई तरकीब लगाई जा सके। गुड्डू कहाँ थे तुम बेटा? शुक्र है तुम आ गए हो। मामू मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना सामान पैक करो, हम दोनों निकलते हैं यहाँ से। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी 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 गुलजार भाई, फौरन मेरे पास पहुंचो, इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। आप ये बहुत गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। बड़ी को मारने की कोशिश की है इन्होंने यार। बेजुबान जानवर को इतनी तकलीफ कौन दे सकता है यार। राहिल तुम सुन रहे हो? जी, मैं सुन रहा हूँ। तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? गुलजार भाई बस कर दें, अब छोड़ दें, हम किसी से नहीं लड़ सकते। कैसी बातें कर रहे हो तुम राहिल? क्योंकि मेरे 14 तबक रोशन हो गए हैं, हम बेकार की जंग लड़ रहे हैं। हम जिन लोगों के लिए लड़ने निकले हैं वो तो खुद को बदलना नहीं चाहते, तो हम क्यों उनके लिए दुनिया बदलने निकले हैं? इन लोगों ने तुम्हारा अपेंडिक्स बेदर्दी से निकाला था, तुम्हें चीर फाड़ दिया था इन लोगों ने। तो क्या हो गया गुलजार भाई, कौन सा सिर्फ मुझे चीर फाड़ा है इन लोगों ने? ये आदि को हम को चीर फाड़ चुके हैं। मैं आइंदा आपका साथ नहीं दूंगा गुलजार भाई, सिर्फ मैं और आप ही पागल हो ही जा रहे हैं। प्लीज आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। गुलजार बेटा, अगर मेरा मशवरा मानते हो ना तो कुछ दिन के लिए घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। क्या मतलब? देखो बेटा, बिल्डिंग वाले पहले ही रोज रोज की मुसीबतों से तंग आ चुके हैं। बड़ी का हाल तुमने देख ही लिया, वो तो तुमने उसे बचा लिया। कल को खुदा ना खास्ता किसी और को कोई हादसा पेश आ गया तो उसका इल्जाम भी तुम्हारे सर आ जाएगा। बेहतर यह है कि तुम इस मंजर से गायब हो जाओ कुछ दिन के लिए। मैं सिर्फ इस घर से नहीं, मैं ये शहर छोड़ के भी जाने लगा हूं। सही कहता है राहिल, पानी किसकी जंग लड़ रहे हैं। मेरा दिल भी भर गया है। बेटा अगर तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो रात के टाइम निकल जाना, क्योंकि दिन में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। निकलना तो दिन नहीं है जी साहब, जिसने जो करना है कर ले। गुलजार, एक कंटेनर मिला है, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं नहीं जानता उसमें रिदा है या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रिदा बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम दुआ करना, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। ओके, गुड लक। हाँ हाँ,
यार छोड़ दो, नफरी लेके निकलो जहां जहां मैं कह रहा हूं, मुझे मेरे साथ रहो आप। हाँ निकलो जी। सर सब खैरियत तो है ना? क्लाय के कंटेनर मिला है, उसमें कुछ लड़कियां हैं। कंटेनर खोलो। यस सर। उतरे। अरे दा बाजियाफ्त हो गई। क्या किधर? शकील इधर है सर। जाके हरिता नाम की लड़की को लेके आओ। ओके सर। सर ले लो सर। जो होना था हो गया। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे खौफनाक एक्सपीरियंस से आप क्या करते हो? क्या करते हो? लर्न। एग्जैक्टली, यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। ओके। And you know what? After all this, you are now a braver girl, है ना? चाचू, मैं घर कैसे जाऊंगी? बाबा मुझे मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा आपको। You'll be fine. कुछ नहीं होगा। सर आपको कैसे पता चला ये कंटेनर यहाँ खड़ा किया गया? कंटेनर के अंदर से शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। फिर ये जिस घर में इनको रखा गया था वहाँ से भी चीखने चिलाने और शोर शराबे की आवाज़ें थी। मोहल्ले वालों के इत्तला पर हमने इस कंटेनर का पीछा किया और ये लड़की बरामद की। इसकी इत्तला मिली तो हमने ये सारा इलाका अपने नाकाबंदी में ले लिया और हमने जगह जगह नाके लगाए। हालांकि मुजरम बहुत शातिर था, उसने अपनी नंबर प्लेट भी तब्दील कर ली, लेकिन मुजरम कितना ही चालाक क्यों, मिलाकर कानून की गिरफ्त में आकर ही रहता। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरा लाल किरण, तुम ठीक हो ना? शुक्रिया, लाल किरण, मैं मेरी बच्ची, जी, ठीक हो ना? भाभी आपने इसका ख्याल रखना है, बहुत ट्रॉमे से गुजरी है ये, और ये पुलिस प्रोटेक्शन में है, बाहर खड़ी है पुलिस। अगर सादत ने किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की इसे, तो वो सलाखों के पीछे होगा, ये आप उसे समझा दें। मैंने वादा किया है कि ये मेरे घर में जिंदा नहीं है। प्लीज ऐसा मत कर सादत। तुम्हारी बच्ची तुम्हारे घर में नहीं रहेगी तो क्या दारुल अमान में रहेगी? इसे वहां भी घुस के मार देता है। सादत होश में आओ, इसने मेरी नाक काटी है। इसकी गलतियों में तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो सादत। पहले तुमने इसे इमोशनली मारा है, अब इसे तुम जान से मारोगे। नहीं सादत, नहीं मेरा बच्चा रुचा। प्लीज सादत, प्लीज। पागल हो गए हो तुम? पिस्तौल नीचे करो। बेशक मुझे जेल भेज दें,
मैं इसके सर में गोलियां उतार के रहूंगा। सादत 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 सब आगे से आ जाओ। सादत तुम अच्छे भाई अच्छी औलाद नहीं तो अच्छे बाप तो बन सकते हो ना इसके। शिकर करो तुम्हारी बेटी घर पहुंच गई है ना जहां उसे लेके जा रहे थे। जिंदगी भर तुम्हें इसके नामो निशान नहीं मिलना था। ये वक्त प्यार से पेश आने का है। गलतियां दोहराने का नहीं है। याद रखना अगर तुमने रिदा को मजीद तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। भाभी रिदा को लेके जाए कपड़े में। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ मेरी नजरों के आगे से। जा रहा हूँ हमेशा के लिए। कहाँ जा रहे हो तुम गुलजार? गुड्डू बेटा रुक जाओ। गुड्डू वापस आ जाओ बेटा। गुड्डू प्लीज वापस आ जाओ। गुड्डू कहाँ जा रहे हो? चला गया गुड्डू। फिर चला गया। हमसे ऐसी क्या गलती हुई थी कि तुम ये करते हो? अपनी जिंदगी का हर गम हर परेशानी को नजरअंदाज करके तुम्हारी बेटी को लेके आया था गुड्डू। हमारी बच्ची को लेके आया था, बचा के लाया था। आदत क्या किया तुमने? रोक गई हूँ मैंने। क्या किया तुमने? क्यों ऐसा करते हो? क्यों मेरे गुड्डू के साथ इसके इत्तला मिली तो हमने ये सारा इलाका अपने नाकाबंदी में ले लिया और हमने जगह जगह नाके लगाए। हालांकि मुजरिम बहुत शातिर था, उसने अपनी नंबर प्लेट भी तब्दील कर ली, लेकिन मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना, बिल आखिर कानून की गिरफ्त में आकर ही रहता। सर आपको कैसे पता चला ये कंटेनर यहाँ खड़ा किया गया? कंटेनर के अंदर से शोर शराबे की आवाजें आ रही थी, फिर ये जिस घर में इनको रखा गया था वहां से भी चीखने चिल्लाने और शोर शराबे की आवाजें थी। मोहल्ले वालों की इत्तला पर हमने इस कंटेनर का पीछा किया और ये लड़कियां बरामद। खस कम जहां पाक। मुझे पता है कि तुम शहर छोड़ चुके हो, लेकिन मुझे
इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जल्दी भाग जाओगे। मैंने सोचा था कि 8-10 दिन डॉक्टर्स को हड़ताल पे बिठाना पड़ेगा, 8-10 मरीज मरेंगे तो लोग तुम पे खुद ही टूट पड़ेंगे। एक बात बताऊं, तब्दीली का नारा लगाने वालों के साथ लोग तो होते हैं, लेकिन तब्दीली की मुश्किलात झेलना बहुत मुश्किल काम है। चलो, तुमने कुछ लोगों को मरने से तो बचा लिया है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।